अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 8 आईकेप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो पास पेपर्स हैं उसका डिस्कस करेंगे और इस सवाल में सीवीपी एनालिसिस और लर्निंग कर्व दोनों चैप्टर जो हैं वो साथ में टेस्ट हो रहे हैं। सवाल रीड करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, जैस्मीन लिमिटेड JL मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशंस। In March 2019, JL is required to submit a tender for supply of 5,000 plastic bottles, bodies of a washing machine. In this respect, following information has been gathered. Number one, the production would be carried out on JL's plant at its Sialkot factory. Cost of the plant is 3.6 million. Its estimated useful life is 96,000 hours. Each plastic body unit will require 2 machine hours. ठीक है जनाब। नंबर टू में लिखते हैं, प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट इन 10 बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। जो मुझे कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है वो पहले बैच की दी हुई है। पहले बैच का एक यूनिट मैंने बनाया था, उसमें मटीरियल लेबर ओवरहेड्स कितने लगे। फिर बोलता है डायरेक्ट मटीरियल कंजम्पशन विल रिड्यूस बाई 5% इन ईच सब्सिक्वेंट बैच अप टू दी थर्ड बैच एंड विल बिकम कॉन्स्टेंट देयर आफ्टर। एप्लीकेबल लर्निंग कर्व इफेक्ट इज 95%, बट इट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट सिक्स बैचेज ओनली। द इंडेक्स ऑफ 95% लर्निंग कर्व इज नेगेटिव 0.074। कंप्यूट द बेटा अमाउंट दैट JL शुड कोट टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी, सवाल बड़ा ही आसान सा 10 मार्क्स का एक सवाल है और चलें जी इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल जो है उसके बारे में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कंजम्पशन है वो 5% रिड्यूस होती रहेगी हर अगले बैच में, और ऐसा होगा तीसरे बैच तक, और उसके बाद फिर जो भी कंजम्पशन होगी वो कॉन्स्टेंटली हर बैच में चलती रहेगी। ठीक है जी, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल की मैं वर्किंग करता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगेगी, तो पहले बैच का जो एक यूनिट था उस पर 150 की कॉस्ट लगी थी। एक बैच में क्योंकि 500 यूनिट्स है तो 500 × 150, यानी कि जो पहला बैच है ना, जो पहला बैच है विच मीन्स फर्स्ट बैच विच मीन्स 500 यूनिट्स, जो पहला बैच है विच मीन्स 500 यूनिट्स, उस पर जो खर्चा लगा है ना वो लगा है 75,000। जो पहला बैच है जिसमें 500 यूनिट्स है उस पर जो खर्चा लगा है वो है 75,000 रुपये। इसके बाद जब हमने सेकेंड बैच बनाया यानी कि अगले 500 यूनिट्स बनाए, तो जो खर्चा होगा वो 75,000 का 95% होगा, विच इज 71,250। 71,250। इसके बाद दोबारा से वो खर्चा 5% कम होगा, यानी कि जब हम थर्ड बैच बनाएंगे तो जो थर्ड बैच के 500 यूनिट्स होंगे उसके लिए वापस 71,250 का 95%, विच इज 67,688। ठीक है भाई, ये पहले तीन बैचेस में जो खर्चा होगा वो मैंने लिख दिया। उसके बाद बैच नंबर 4 से लेकर बैच नंबर 10, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो 7 बैचेस होंगे, इन 7 बैचेस पे जो खर्चा होगा वो 67,688 के हिसाब से होगा। सो 67,688 × 7 जो खर्चा होगा वो होगा 473,816। 473,816, यानी कि जो हमारा टोटल खर्चा होगा वो हो जाएगा 75,000 प्लस 71,250 प्लस 67,688 प्लस 473,816। टोटल हमारा जो खर्चा होगा वो होगा 687,754। ये डायरेक्ट मटेरियल का हमारा टोटल खर्चा होगा 10 बैचेस पर। फिर हम लेबर की वर्किंग करते हैं। अच्छा, लेबर की जो लर्निंग है वो फर्स्ट 6 बैचेस तक चलेगी और उसके बाद रुक जाएगी। तो तरीका क्या होता है लर्निंग का, हमने ये पढ़ा हुआ है कि पहले 6 बैचेस की कॉस्ट माइनस 5 बैचेस की कॉस्ट, या आर्स वाले तरीके पर चले जाओ
और आवर्स निकाल लो। अच्छा, जो पहला यूनिट था पहले बैच का, उस पर 3 घंटे लगे थे, और पहले बैच में अगर 500 यूनिट्स थे तो टोटल लगे होंगे 1500 घंटे पहले बैच पर, है ना। तो हम 6 बैचेस पर कितना टाइम लगा होगा ये निकालते हैं। 6 बैचेस पर टाइम लगा कितना लगा होगा उसके लिए ए इज 1500 क्यों है, पहले बैच पे लगने वाला टाइम इंटू एक्स, एक्स है नंबर ऑफ बैचेस, पावर बी, बी है -0.074। ये 6 बैचेस का एवरेज टाइम आया, 6 बैचेस का टोटल टाइम निकालने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देखते हैं कि ये कितना आता है। 6 बैचेस का जो टोटल टाइम है वो आ रहा है 7882। 6 बैचेस का जो टोटल टाइम आ रहा है वो आ रहा है 7882। अच्छा, इसमें से 5 बैचेस का टोटल टाइम माइनस करते हैं, विच इज 1500 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर -0.074 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है ना। तो 5 की पावर -0.074 इंटू 1500 इंटू 5, ये आती है हमारी 6658, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई छठे बैच पे जो टाइम लगा होगा वो 7882 और 6658 का डिफरेंस, यानी कि जो छठा बैच होगा उस पे जो नंबर ऑफ आवर्स लगे हुए होंगे वो होंगे 1224। तो अब अगर टोटल आवर्स की बात करें ना, तो पहले 6 बैचेस पर जो टाइम लगा है वो लगा है 7882, पहले 6 बैचेस पर जो टाइम लगा है वो लगा है 7882, 7th, 8th, 9th और 10th, ये जो 4 बैचेस हैं इस पे लगे होंगे 1224 के हिसाब से, जितने भी आवर्स बनते हैं। सो 4 × 1224 प्लस 7882 टोटल बन जाता है हमारा 12,778 आवर्स। टोटल जो आवर्स बनते हैं ना वो बनते हैं 12,778 आवर्स, इतना टाइम हमें लगा होगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपके सामने टोटल आवर्स रख दिए। अच्छा, पर आवर रेट कितना है भाई, 300 रुपये लेबर लेता है अगर 3 घंटे के, तो 1 घंटे के कितने बने, 1 घंटे के 100 रुपये बने। तो लेबर की अगर हम कॉस्ट लिखेंगे तो लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 12778 मल्टीप्लाइड बाई 100, विच इज़ 12778 इंटू 100, ये बन जाता है आपका 1.1277800। ये लिख देते हैं हम लेबर की कॉस्ट 1277800, ये लेबर की कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओवरहेड्स पर। अच्छा, ओवरहेड्स में एक हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, और वेरिएबल ओवरहेड्स जो थे वो थे 240 रुपये 3 घंटे के। तो पारा रेट अगर निकालते हैं तो 240 को आप 3 से डिवाइड करो कितना आता है, 80 आ जाता है, बिल्कुल 80 आ जाता है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में एक तो हमारे ओवरहेड सिंपली हो गए नंबर ऑफ आवर्स, विच इज 12778, ये हमें मालूम है इतने घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 80, 12778 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये बन जाता है आपका 1022240, ये एक वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे हो गए। दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं मशीन की वजह से, इस मशीन की वजह से कोई अगर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, उसे बोला हुआ है द प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट ऑन जेल्स प्लांट एट इट्स सियालकोट फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 3.6 मिलियन, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 96,000 आवर्स, ईच प्लास्टिक बॉडी यूनिट विल रिक्वायर 2 मशीन आवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि यार ये जो डिप्रिसिएशन है ना, ये वेरिएबल एक तरह से, क्योंकि ये 96,000 आवर्स पे हमें स्प्रेड करनी है। एक यूनिट जो है वो 2 घंटे लेता, अगर एक यूनिट 2 घंटे लेता है, और अगर मैं, मेरे पास ऑर्डर है 5,000 यूनिट्स का, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 घंटे जो है वो इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट शामिल करने के लिए ये जो 3.6 मिलियन की कॉस्ट है इसको स्प्रेड कर दो इसके 96,000 आवर्स पर, और 1,000 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं तो 1,000 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 360000 डिवाइडेड बाई 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 इज 37,500, लेट मी रीचेक, 360000 डिवाइडेड बाई 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 से मल्टीप्लाई होगा,
375,000 की ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं, देखो उसने पूछा था कंप्यूट दी बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कॉट टू अर्न अ 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि कभी कोई बिड आती है तो उसके लिए जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती है, विच मीन्स कि जो टोटल अमाउंट हमें यूज करना है वो 1, 2, 3 और 4, ये टोटल अमाउंट यूज करना है 687,754 प्लस 1277,800 प्लस 1022,240 प्लस 375,000। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का अमाउंट बन रहा है वो लगभग कोई बन रहा है 3,3,3,3,6,2,6,2,794। अच्छा, फिक्स कॉस्ट ना कंसिडर करने की एक और रीज़न भी है कि उसने बोला था कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% चाहिए, तो ये मेरी कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो जो है वो होता है 70%। तो हम इसको 70 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई इसको 70 से डिवाइड और 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल इस सवाल का आंसर बनता है वो बन रहा है 4,803,803,991,991। ये हमारा फाइनल आंसर है। बड़ा आसान सा एक पास पेपर का सवाल था और इसको मैंने सॉल्व किया। बहुत शुक्रिया।